हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंस्ट्रो चैनल। तो जबरदस्त प्लेलिस्ट हो रही है माइनक्राफ्ट की। एपिसोड तीसरा या चौथा होगा ये वाला, तो मतलब मजे आने वाली है आज के एपिसोड में, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में जो घर बनाया था हमने उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, और उसके आसपास के एरिया भी बिल्कुल थोड़ा ठीक ठाक कर दिया अपने रहने लायक। तो दिखाऊंगा आपको इस एपिसोड में। और अब मतलब जब बन गया है घर, तो फिर अब मुझे फूड की भी दिक्कत हो रही है, तो खाना भी लाना पड़ेगा। खाने के साथ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, तो देखेंगे आज के एपिसोड में कैसा रहेगा। तो जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, क्योंकि भी मिलना आपको जबरदस्त एंटरटेनमेंट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा यार, हम बहुत ऊंचा खड़ा था ताकि कोई क्रीपर वीपर आके ना फोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब क्रीपर लोग फोड़ दे रहे मेरे को। अभी आपको दिखाता मैं खतरनाक सा। ये रहा मेरा घर वहां पे। तो मैंने इसको तीन सेट का बनाया हुआ है। ये येलो वाला सबसे बड़ा पोर्शन है, उसके बाद ये जो व्हाइट वाला है इसके बाद छोटा पोर्शन, एंड ये दूसरा व्हाइट वाला छोटा पोर्शन। यहाँ पे जो कॉर्नर में आपको दिख रहे हैं ना, वो आप देखिए वही जाके क्या है। और ये मैंने छोटे छोटे डॉकेट्स बनाए, ये पेट वेट मुझे साफ करने हैं, इनको बाद में कर दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास आयरन की बहुत कमी है, तो सीजन नहीं बन पाए इसीलिए नहीं हो पाया। अभी यहाँ से चलते हैं जल्दी। अच्छी थी ना जम्प। तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, और दिखाता हूँ आपको पूरा अगर एक बार बढ़िया सा टूर करके कैसा है। अंदर से तो बहुत ही मस्त बना रखा है मैंने, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस घर है, तो किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे दो डॉकयार्ड है एंड दो शिप्स है मेरी यहाँ पे, मतलब छोटी छोटी शिप्स, सूरज भी डूबने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब मैं इसको मतलब एक लेवल कर दूंगा, इसके ऊपर से बिल्कुल एक मस्त सा दिखेगा। तो यहाँ से ये एंट्री है, यहाँ पे मेरी मतलब रहेंगी गायें वगैरह, मतलब जितने भी फार्म एनिमल्स मिल सकते हैं हमको उतने रखेंगे। और सेम सिमिलर मतलब इसी साइड बना रखा, सेम नीचे जहाँ पे नीचे जाने का है। यहाँ पे अभी एक ही सूअर बचा हुआ है बस, मतलब एक ही पिग ला गया यहाँ पे रख रखा मैंने। यहाँ पे घोड़े वगैरह लाएंगे, लामा आया, लामा मेरे पास 6 लामा हुए थे एकदम से, मतलब एकदम से नहीं, बहुत टाइम हो गया था लाते लाते। मतलब वो अपने आप ही ट्रेडर से मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने और उसके लामा ले लिए, और वो लामा फिर अपने आप डिस्पॉन हो गए, क्योंकि मेरे पास उनको खिलाने के लिए अभी कुछ था ही नहीं। तो यहाँ से एंट्री होती है, सेम उधर से भी होती है उस साइड से। यहाँ से अपन, ये अपना बेड है यहाँ पे, खतरनाक से पहले सो जाते हैं, फिर सुबह होगी तो एकदम से जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज मतलब फार्म एनिमल्स लाने अपने साथ। तो एक बार ये इसको ले लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे 4 लेड और भी मेरे पास, 6 पूरे 6 लामा से मैंने 6 लेड लिए। यहाँ से नीचे ऐसे कुछ है, यहाँ से बाहर जाने का, यहाँ से बाहर जाने का। ओके, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा है। मैंने येलो कॉन्क्रीट से बना रखा, ब्लू कॉन्क्रीट से और रेड कॉन्क्रीट से। ये वाला आउटर लाइनिंग मैंने बोन मील को, आप बोन मील से आपको व्हाइट ये मिलता है, लेकिन व्हाइट मिल मतलब व्हाइट क्या बोलते हैं उसका, व्हाइट डाई के लिए आपको ट्यूलिप भी चाहिए, लेकिन ट्यूलिप इधर थी नहीं। यहाँ पे मेरा सारा ये सब कुछ पड़ा है। सबसे ज़्यादा मेरे पता क्या है, सबसे ज़्यादा मेरे पास है स्टोन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सफाई करी यहाँ पे इस इलाके में, तो स्टोन तो बहुत ही ज़्यादा आ चुका है मेरे पास। और बाकी तो और कुछ है नहीं, एक एंडरमैन मारा था, और 2 रेड्स पड़ी मेरे इस विलेज में, मतलब समझ रहे हो ना, 2 रेड्स। ये रहा एंडर पर्ल, एक एंडर पर्ल है, और एक बार एक विच भी आई थी तो उससे मुझे ये मिला, और बहुत सारा ग्रेवल जमा करके लेपिस लपूजी वगैरह वगैरह ये सब कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। और ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो सेकंड फ्लोर आता है हमारा, सेकंड फ्लोर में भी बहुत सारी चीजें करेंगे अभी, मतलब अभी तो बहुत ही कुछ करना बाकी है। देखिए बहुत ही बड़ा है, मतलब यहाँ से व्यू भी बहुत मस्त आता है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। और इस साइड से भी व्यू आता है खतरनाक सा, उस साइड भी सेम सेम है, इस साइड से दिखाएंगे आपको, रुक जाइए। तो यहाँ पे मैंने जो अपना ये रखे हुए हैं फिलहाल, अभी मेरे पास मछली मछली हो रखी है खाने के लिए, और कुछ नहीं है। इधर से भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, मतलब जैसा उस साइड है वैसा ही साइड है, तो दोनों साइड सेम टू सेम है। अब बस यहाँ पे ऐसी छोटी सी चेस्ट है, इसमें पता नहीं इसमें भी फालतू एक आयरन इंगट है, लेकिन दो होते तो मैं सीजर बनाता, सीजर से फिर नीचे वाला जो एरिया है उसको साफ कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं ना पड़ा वो, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। एंड यहाँ से चलते हैं फिर, अब जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं यार जल्दी से कुछ फार्म एनिमल्स लेने, मतलब मुझे पता है किधर मिलते हैं, हमारी इस साइड जो हमारे ऊपर वाली साइड है ना घर के, वहाँ नहीं मिलते। तो अभी सुबह सुबह जल्दी हुई है, मतलब अभी तो बिल्कुल बहुत टाइम बाकी है, तो जल्दी से चलते हैं और लेके आते हैं बिल्कुल एक एक बार यार। ओहो गाइस, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई थी बहुत खतरनाक, यहाँ पे मेरे को 3 बार ड्रोन ने मारा भाई, वो भी ट्राइडेंट, दो 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 ड्रोन आए थे, दोनों के पास ट्राइडेंट था, और दोनों ने भाई ऐसे सूता ना मेरे को। सबसे ज्यादा मतलब आपको इससे भी मिल सकता है, ये जो रॉड है ना फिशिंग रॉड, इससे बहुत ही मिलता है। पिछली बार जब मैंने पिछला वाला शुरू किया था ना, उसमें मेरे को बहुत सारी बुक्स तो यहीं से मिल गई थी पानी के अंदर से,
देखते हैं आज क्या मिलता है जल्दी से। एक बार कोई आ रहा है क्या? कोई कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आ रहा है कोई? आ गया आ गया। थोड़ा जल्दी उठा दिया मैंने, रुक जाइए अब 2 मिनट लगेगा। आ जा आ जा आ यार। इधर ये वाला इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब इधर में मतलब सिर्फ मछली मछली मिलती है, कुछ मेन मिला नहीं मुझे। ये सारी मछलियाँ मैंने यहीं से पकड़ी हुई है। अब जो हमारा जो जानवरों का वो है ना अड्डा, वही साइड है। पहले तो हम गायें लाएंगे और भेड़ बकरी भी मिल जाए तो भेड़ बकरी भी एक साथ ही ले आएंगे, साथ में ही उनको तो मैं यहाँ से लाऊंगा। ओके अभी फिलहाल मेरे विलेज में कोई भी लोग नहीं, मतलब एक भी नहीं है। लाने पड़ेंगे वो भी मुझे कहीं ना कहीं से, तो देख लेंगे बाद में। अभी तो घर बन चुका है ना, तो एक ये है कि भाई हाँ घर है, जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसके अंदर, एक्सप्लोरेशन करेंगे बाद में। कुछ जानवर दिख रहे हैं क्या? 4 लेट तो मैं ले आया हूँ, देखते हैं कितने मिलते हैं। अरे यार घास फूस तो मैं लाए नहीं, कोई नहीं उनको बंद कर देंगे ना जब वहां। अरे घोड़े, पहले घोड़े ले जाएंगे। हाँ घोड़े ले आते हैं पहले। मेरे को घास भी लाना चाहिए था, एक ही है ये, चलेगा क्या? ओके तो इसको चलते हैं लेके। आजा आजा, अभी पहले घोड़े लेके चलते हैं अपने वहां पे। गाइज़ ये वाला जो शेड है ये इस नहीं, इसको रखते हैं घोड़ों के लिए। ये वाले शेड में हम घोड़े रखेंगे। देख आ जा आ जा आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। कम कम इन कम इन। उसका नाम हम आ जा। अरे यार अंदर क्यों नहीं आ रहा? आ जा आ जा, इतना छोटा गेट है क्या? अरे यार यार ये भी बड़ी दिक्कत हो गई यार, अंदर क्यों? अबे यार को तोड़ना पड़ेगा क्या? अब आ जा आ जा आ जा आ जा, इसको मैं यहाँ पे बांध देता हूँ यार। ओके तो घोड़े को मैंने बांध दिया है और अब चलते हैं इसके लिए कुछ लेके आते हैं, पहले खाना वाना। यहाँ पे ऊपर ही इन्होंने जो फार्मर लोग है ना, मैंने वहीं पे खेती कर ली थी। अरे यार तो वहीं से लेके आते हैं अभी तो फिलहाल। भाई हमारे पास यहीं पे मिलेगा, हमें जब ही मिलेगा। मतलब अभी तो ज्यादा हमारे पास मतलब बड़ा खाने वाला फार्म नहीं है ना, तो यहीं से तोड़ना पड़ेगा। फार्म हम बनाएंगे वो सामने, वहां पे बनाएंगे, मस्त लगेगा आपको देखने में। अभी अपने घोड़े को जरा पसंद करते हैं, मतलब उसको हमारे साथ रहने के लिए एक बार उसको वो करना पड़ेगा ना अपने लिए, क्या बोलते हैं उसको, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम उसके अच्छे ओनर बन सकते हैं। करते हैं फिर जल्दी से यार। ये रहा अपन का घोड़ा 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 घोड़ा, आ जा। पता नहीं कितने में खुश हो जाएगा भाई, पूरा खा गया यार। इतना मत खा भाई, और भी लाना है मेरे को। ये तो खुश ही नहीं हो रहा भाई साहब, दिल 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 भेज दिल। अब पेट भर गया भाई, दिल नहीं भरा उसका वो भाई भाई। ओके तो अब मैं उसको मतलब ये कर सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ इसके ऊपर, शायद इसका दिल भी भर चुका है। चलिए एक आदमी तो, एक तो घोड़ा तो आ गया हमारे पास, अब चलते हैं और भी जानवर लेने के लिए। गायें मिलेंगी तो गायें लेके आएंगे और फिर पियेंगे दूध वगैरह कुछ मस्त।
सूरज दादा किधर है? अरे यार सूरज दादा भी डूबने वाले हैं, अभी जाना सेफ नहीं होगा। तो मिलते हैं सुबह सुबह, जैसे सुबह होगी तब जाएंगे मस्त। फिलहाल यार ये सारा जो मैंने घर बनाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ एक बार तरीके से कैसा कैसा है। मतलब ये वाला एरिया है जो ये कॉन्क्रीट, येलो कॉन्क्रीट मतलब आपको येलो डाई से मिल जाएगा, और ग्रेवल और सैंड को मिक्स करके येलो डाई के साथ आप बना सकते हैं आराम से। येलो कॉन्क्रीट पाउडर बनेगा, पाउडर के बाद फिर आपको पानी डालना पड़ेगा, पानी डाल के आपको ये मिलेगा, फिर आपको ये ब्लू वाले फूल से मिल जाएगा आराम से। ग्लास तो आपको पता ही है, कुक करना पड़ता है, फिर 3 ग्लास पेन को एक से, 6 ग्लास पेन को एक साथ लगा के ये ग्लास ये बन जाते हैं पेंट्स ग्लास। और फिर ये स्लैब्स तो आपको पता है लेटराइट के स्लैब्स हैं, पहले भी मैंने इसी को यूज़ किया था क्योंकि यही मिल जाती हैं आराम से, तो इसी को यूज़ करना ठीक ही रहता है। फिलहाल अपना खाना खाते हैं जल्दी से। ओके फिलहाल कोल भी मेरे पास काफ़ी है मतलब पड़ा हुआ, जल्दी से सो जाते हैं, मतलब रात हो जाए ना, थोड़ा रात होने का इंतजार करते हैं यार। ओके गाइस तो सुबह हो चुकी है आराम से, और अब चलते हैं और भी जानवर लेके आते हैं अपने साथ। दो तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, पिग है और ये घोड़ा आ गया है। घोड़े का नामकरण भी आप कमेंट में बताइए, घोड़े का नाम क्या रखें हम, क्योंकि मेरे को तो नाम वाम सोच नहीं रहे अभी कोई। अभी सुबह सुबह हो चुकी है, जल्दी से चल के आते हैं, देखते हैं कुछ मिलेगा मतलब खतरनाक सा। इस बार 4 के 4 एक साथ लेके आएंगे हम, ऐसे बार बार वापस आना आना फिर दिक्कत हो जाती है ना। 2 गायें लेके आएंगे, 1 सूअर लेके आएंगे, और मुर्गी मुर्गी भी ले, मुर्गी अगली बार आएंगे, मुर्गी मुर्गी का क्या है, मुर्गी तो मिल ही जाएगी अगली बार। अभी गायें लेके आते हैं और सूअर लेके आते हैं, बकरियां पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, चारपाइयां बनानी बहुत सारी, क्योंकि विलेजेस को लाना है, विलेजेस के लिए बेड तो चाहिए चाहिए, क्योंकि बिना बेड के फिर सो नहीं पाते हैं, फिर सो नहीं पाते तो फिर मर जाते हैं, डिस्पॉन हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, जॉम्बी बन जाते हैं, जॉम्बी एंड विलेजर जॉम्बी जब बन जाते हैं ना, फिर उसको हील करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब उसके लिए बहुत एलिमेंट्स चाहिए हीलिंग के लिए। यहाँ पे बहुत ही गहरी गहरी गुफाएं, मतलब एक घोड़े हो रहे हैं, 2-3 घोड़े। अब 2-3 घोड़ों को क्या करूँ यार, पूरा घास खा गया भाई। एक बोट यहाँ पे भी है मेरी, ये पता नहीं कब की है, यहीं से मैं सारा लिटरेट स्टोन है जो मैं अपना यहीं से लेके आया था। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ ये जो एरिया ना मतलब ये ग्रास लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर हमें मिल सकते हैं, इसलिए इधर ही आते हैं, देखते हैं कहीं मिले तो मिले, वरना घर का रास्ता तो मुझे पता ही है, आराम से पहुँच जाएंगे अपने घर। लेकिन पानी से ले जाना ऐसा ठीक रहता है ना, कि मतलब फिर कॉर्ड हमारी जो रस्सी है टूटती नहीं है बार बार, इसलिए वो रहे वरे कोई है वहाँ पे जानवर तो है कोई कोई, बस 2 मिल जाए ना, 2 बहुत होते हैं, 2 के बाद हजारों बन जाते हैं आराम से, हमें ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। कभी लावा भी, अभी हमें वो भी बनाना है, पोर्टल भी बनाना है, तो पोर्टल के लावा लेने हम इधर से आएंगे, आराम से मिल गया लावा तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई जानवर नहीं मिल रहा, पर यार लावा तो छोड़ो, आयरन आयरन इंगेट आयरन इंगेट ये मिल जाए ना भाई। आप देखो भाई, आप सीजर से मैं उसको ठीक कर, 2-2 मिल गए। अभी मेरे पास सिर्फ एक हेलमेट है, एक मेरे पास चेस्ट भी थी पड़ी हुई, लेकिन वो कुर्बान हो गई, मतलब ड्राउन ने उसको ले लिया और फिर वो भाग गया, मतलब भागा तो नहीं मर गया था, उसके बाद फिर मैंने उसको ढूंढा तो मुझे मिले नहीं। आगे शायद एक गाय है, अभी तो एक को ले आना पड़ेगा मुझे लग रहा, क्योंकि दूसरी तो नहीं मिल रही है, दूसरी भी मिल जाती है ना तो यहीं से ले आते हैं साथ में। ओके चलो मेरे साथ, एक और चाहिए बस, एक और एक और एक और एक और एक और। ओके, तो 2 गाय तो मिल ही चुके हैं, 2 को ले जाएंगे, बहुत काम हो जाएगा हमारा। फार्म में गाय ना हो तो बहुत अजीब सा लगता है ना, इसलिए गाय ले आना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो 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 चलो, मूव मूव कम, और कोई एक और भी मिल जाती तो चल जाता, इधर से रास्ते में ये भी तोड़ते चलो, सीड वगैरह भी मिलेंगे। आ रही हैं आ रही हैं। ओके ओके तो चलते हैं, मिलते हैं वहीं पे आपको, जहाँ पे घर में पहुंचाने के बाद।
ओके गाइस, दो गायें भी आ चुकी हमारे पास एंड मुमू नाम रखा मैंने उनका। मुमू ठीक रहेगा, नाम बढ़िया नाम है मुमू। तो यार ये रही हमारी मुमू। तो अब मतलब ज़्यादा तो मैं ला नहीं पाया लेकिन इतना काफ़ी है। भेड़ बकरी को कभी और ले आएंगे, तो इतना काफ़ी था आज का एडवेंचर। यार बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़े तो आई, ठीक ठाक ही हो गया मतलब काफ़ी। एंड अपने पास दूध तो पीना ज़रूर बनता है यार, अब इतने दूर से आए हैं तो दूध तो पी के जाएंगे, तो दूध पी के आते हैं यार जल्दी से। एक बार एक कॉल ले लेता हूँ मैं, क्योंकि अब गाय माता आई है तो इधर तो फिर दूध पीना तो बनता है। एंड उसके बाद करेंगे कुछ मस्त सा काम। तो आज का एपिसोड तो यार मतलब ठीक ठाक ही हो गया। मतलब अगली बार से अब मतलब अब बनाएंगे हम। इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है बहुत ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सारी फार्मेलिटी मतलब मैं अब ले ही आऊँगा फिलहाल। अब जो मेन काम है हमारा मतलब एक पोर्टल बनाना है, पोर्टल से फिर हमें जाना है नीदर वर्ल्ड, नीदर वर्ल्ड से हमें गोल्ड लाना है बहुत सारा। बहुत ही काम बाकी है अभी तो। दूध ओके, तो हमारे यहाँ गेम का पहला दूध खत्म हो चुका है और मुमू ने हमें दूध दे दिया है। मुमू के लिए पास हमारे पास घर तो है नहीं, तो घोड़े का नाम जरूर बताइएगा क्या रखेंगे। मुमू तो गाय का नाम मैंने रख दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बस मजे करिए लाइफ में, जिंदगी में खुश रहिए एंड स्टे स्टे फिट। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बहुत जल्दी से 1000 में पहुँचा दीजिए, ताकि मतलब और मजे आए वीडियो बनाने में और जल्दी जल्दी वीडियो आ सकें और सारी बहुत सारी। ये हमारे पास पेग है, ये मोमो तो उधर है हमारे, ये घोड़ा क्या कर रहा है। पानी मैंने इसके लिए यहाँ पे कॉरिडोर में पानी रखा हुआ है। कॉरिडोर के लिए तो बहुत सारा आयरन चाहिए हमें। पहले तो विलेज लाने पड़ेगा, फिर उसके बाद आयरन फार्म बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाएंगे इस बार तो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड बाय।